नमस्कार। आज प्रस्तुत है हिंदी विनोद की क्यारी का नया सुमन, जवानी की रेल चली जाए रे। पूछने वाले अक्सर पूछ लेते हैं कि ये रास्ता कहाँ जाता है, और बताने वाले उन्हें किसी जगह का नाम भी बता देते हैं। मगर सच तो यह है कि कोई भी रास्ता कहीं नहीं जाता। इसी तरह रेलवे की पटरी भी कहीं नहीं जाती, लेकिन आम बोलचाल में रास्ता भी जाता है और रेल भी चलती है। सवाट हिंदी फिल्मों की बनावट में समय के साथ कई तरह के बदलाव आए, पर 1931 में आलम आरा से प्रारंभ नाच गाने की परंपरा आज भी जस की तस है। स्वांग, पारसी रंगमंच और संगीत नाटकों से उद्भूत इस मनभावन शुरुआत ने हिंदी सिनेमा को एक ऐसा जबरदस्त फार्मूला पकड़ा दिया कि आम तौर पर हर फिल्म में कुछ गाने जरूर होते हैं। देश की आजादी के वर्ष 1947 में एक फिल्म बनी थी शहनाई, जिसके संगीतकार श्री रामचंद्र थे। सबसे पहले उन्होंने ही देशी और विदेशी संगीत के समन्वय की दिशा में रुचिकर प्रयोग शुरू किए थे। गीता दत्त, लता मंगेशकर, चितलकर आदि की आवाज में इस फिल्म के राजेंद्र कृष्ण द्वारा लिखित निम्नलिखित गीत के संगीत संयोजन में दृश्य की आवश्यकता के अनुरूप इंजन की सीटी वगैरह की आवाज को भी घोलने का प्रयास किया गया। जवानी की रेल चली जाए रे, जवानी की रेल की अनोखी कहानी, इज्जत की आग और आंखों का पानी। फिल्मी गीतों में चलने वाली इस रेल की चाल, ढाल व रूप रंग के विकास की भी एक कहानी है। फिल्म 1949 की फिल्म नाच में हुसनलाल भगतराम के संगीत निर्देशन में गीता दत्त व लता मंगेशकर ने गीत गाया, छक छक चली हमारी रेल, ये है आग पानी का मेल। बहुत ही सरल शब्दों में मुल्क राज भाखरी द्वारा लिखित इस गीत का पहला अंतरा उदाहरणीय है। लिए जा रही है ये किसी को बिछड़ा सजन मिलाने, कोई छोड़ अपने संगी को चला है दूर ठिकाने, किस्मत से ही होते हैं ये बिछड़ों के फिर मेल, छक छक चली हमारी रेल। फिल्म काला बाजार में रेलगाड़ी के एक डिब्बे में वहीदा रहमान के साथ अन्य मुसाफिरों की मौजूदगी के बावजूद अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बेचैन देवानंद द्वारा अभिनीत गीत का संगीत इंजन की सीटी से शुरू होता है, जिसे अचानक बांसुरी संभाल लेती है। शैलेंद्र के गीत के अंतरों के बीच में भी एसडी बर्मन ने ये धुन दोहराई है। अपनी तो हर आह एक तूफान है, क्या करे वो जानकर अनजान है, ऊपर वाला जानकर अनजान है। इसी तरह फिल्म बंदनी में ट्रेन और शिप के इंजनों की पुकार के बीच एसडी वर्मन की आवाज में गीतकार शैलेंद्र के बोल, मेरा खींचती है आंचल मनमीत तेरी हर पुकार के बाद इंजन की सीटी की मर्मस्पर्शी आवाज गहराई तक प्रभावित करती है कि मेरे साजन है उस पार, मैं मनमार हूँ इस पार, ओ मेरे मांझी अब की बार ले चल पार, ले चल पार। इन्हीं पंक्तियों के साथ अलविदा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके अनुग्रहित अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।